हेलो एवरीवन, मैं हेमा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की क्लास, जिसमें हमने करनी है आज काले बादल नाम की कविता। पहले हम अपनी इस हिंदी की क्लास में काले बादल की जो कविता है उसे पहले पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर हम उसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। काले काले बादल आए, काले काले बादल आए, समाचार बरखा के लाए। काले काले बादल आए, समाचार बरखा के लाए। धरती का ये ताप हरेंगे, हरियाली से गोद भरेंगे। धरती का ये ताप हरेंगे, ताप होता है गर्मी, गर्मी हरेंगे, हरियाली से गोद भरेंगे। जब बारिश आएगी तो क्या हो जाएगा, जब काले बादल आएंगे तब बारिश आएगी, और बारिश आने से क्या हो जाएगा, वो धरती की जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। ठीक है, आगे है, ये पर्वत से गले मिलेंगे, फिर पेड़ों से बात करेंगे। देखो बच्चों, जब ऊपर आसमान में काले काले बादल आते हैं तो उस आसमान में जब काले काले बादल आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि वो पर्वतों को छू रहे हैं, और फिर उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि पर्वतों पे जो पेड़ हैं वो उनको भी छू रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है, ये पर्वत से गले मिलेंगे, फिर पेड़ों से बात करेंगे। मोर पपीहा गीत सुनाएं, दिशा दिशा में साज सजाएं। तो इसमें क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है तो मोर और पपीहा गीत सुनाते हैं, वो अपनी आवाज़ में क्या करते हैं, गीत सुनाते हैं, दिशा दिशा में साज सजाएं, और हर दिशा को सजा देते हैं। ठीक है, तो दिशा दिशा में साज सजाएं। आगे है, रंग बिरंगी पहन पगड़ियाँ, रंग बिरंगी पहन पगड़ियाँ, लिए हाथ बिजली की छड़ियाँ। बच्चे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब बादल बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पहले बादल आते हैं, बादल आते हैं तो काले बादल भी होते हैं, कुछ नीले होते हैं, कोई सफ़ेद भी होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर क्या लिखा है, रंग बिरंगी पहन पगड़ियाँ, बादल जो है वो रंग बिरंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो रंग बिरंगे पहन पगड़ियाँ, लिए हाथ बिजली की छड़ियाँ, और बिजली भी बड़ी जोरों से कड़कती है। नबके आंगन जमकर बैठे, बांट रहे मोती की लड़ियाँ। नबके आंगन, पूरे आसमान में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देते हैं हमें, काले काले बादल दिखाई देते हैं। बांट रहे मोती की लड़ियाँ, और ऐसे लगता है जैसे कि वो मोती की लड़ियाँ बांट रहे हों। काले काले बादल आए, धरती पर खुशहाली लाए। तो इसका क्या मतलब है कि जब काले काले बादल आते हैं तो धरती पर खुशहाली आ जाती है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधों को, फसलों को, सभी को पानी मिल जाता है। ठीक है, और धरती पे जो गर्मी होती है वो दूर हो जाती है, तो इससे क्या होता है, सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि धरती पर खुशहाली लाए। नभ उपवन को बहुत सुहाए, राजदूत बरखा के आए। तो वन उपवन को बहुत सुहाए, वन उपवन जो भी वन है, जंगल है या बगीचे हैं, उन सबको भी बारिश बहुत अच्छी लगती है, काले बादल बहुत अच्छे लगते हैं। राजदूत बरखा के आए, और वो बरखा के मतलब बारिश के राजदूत बन करके आए हैं। कौन आए हैं, काले बादल आए हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने हमारी काले बादल की कविता पढ़ी है, अब हम शुरू करते हैं इसी कविता के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बादल धरती पर क्या लेकर आए, बादल धरती पर क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट एनजे में, लास्ट पहरे में हमने पढ़ा है, काले काले बादल आए, धरती पर खुशहाली लाए। तो क्या लेकर आए धरती पर, काले बादल धरती पर खुशहाली लाए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बादल
धरती पर खुशहाली लाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादल किसके गले मिलेंगे। जो बादल हैं वो किसके गले मिलेंगे। तो बच्चों, अभी हमने पोयम अपनी ये कविता पढ़ी है, तो इस कविता के अंदर हमने देखा था कि बादल ये पर्वत से गले मिलेंगे। तो बादल किसके गले मिलेंगे? पर्वत के गले मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि बादल पर्वत से गले मिलेंगे, पर्वत से गले मिलेंगे। अब हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न, बरखा के राजदूत कौन है। बरखा के राजदूत कौन है? बरखा के राजदूत, अभी हमने इसको किया था, सबसे लास्ट में किया था। क्या किया था? वन उपवन के बहुत सुहाए, वन उपवन को बहुत सुहाए राजदूत बरखा के आए। तो कौन आ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? ये राजदूत बरखा के आए, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है काले बादलों के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बरखा के राजपूत काले बादल हैं। हम यहाँ लिखेंगे काले बादल बरखा के राजदूत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोती की लड़ियाँ कौन बांट रहा था। क्या प्रश्न है? मोती की लड़ियाँ कौन बांट रहा था। तो अभी हमने कहाँ पढ़ा था ये मोती की लड़ियाँ कौन बांट रहा था? यहाँ पर कि नभ के आंगन जमकर बैठे बांट रहे मोती की लड़ियाँ। तो नभ के आंगन में यानी आसमान में जमकर कौन बैठा था? काले बादल ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मोती की लड़ियाँ कौन बांट रहा था? काले बादल बांट रहे थे। हम क्या लिखेंगे? मोती की लड़ियाँ काले बादल बांट रहे थे। मोती की लड़ियाँ काले बादल बांट रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया? आज हमने अपनी पहली कविता काले बादल को हमने पढ़ा भी है और उसके प्रश्न उत्तरों को भी किया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज क्या है, आपने ये सब अच्छे से पढ़ना है, ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज हमने किया इस काले बादल की कविता को और इसके प्रश्न उत्तर को। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझा ना अपने काले बादल की कविता और उसके प्रश्न उत्तरों को। तो अब हम इसकी जो अभ्यास अभी और रहता है, जो इसके खाली स्थान हैं या और भी जो कुछ रहता है, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको यही बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू।